एक्शन। वाईफाई क्या है सर? ये टेस्ट है, चला जाए। और स्वेलिंग वगैरह? आप फिक्र मत कीजिए, ये भी चल जाएगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा मूव कीजिए। इट्स रेडी? या थोड़ा सा रोल 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 रोलिंग एक्शन। आ जाओ जाओ। ये सहारा लेकर अपना कोशिश कीजिए। अभी मैं प्रेशर डाल के इसे ओके। हाँ मैम। हाँ रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन। हाँ मूवमेंट कीजिए मैम थोड़ा सा। हाँ हटा दीजिए, ले लीजिए नीचे पे। ओके ओके डन। यार रोल रोल यार रोल। भाभी का प्लास्टर खुल रहा है फाइनली। जो 5-6 में से प्लास्टर हुआ हुआ था वो आज खुल रहा है और वो काफ़ी खुश है क्योंकि उन्हें प्लास्टर खुलते खुलते डॉक्टर से कुछ और चीज़ें पता चली हैं परम के बारे में। तो लेट्स सी अभी घर जाके पता चलेगा कि वो इतनी खुश क्यों है। उन्होंने हमें बताया कि हम घर जाके बताएंगे तो वो हमारे लिए भी सरप्राइज है। आप कितना खुश है कि वो खुल चुकी है? अरे फाइनली खुल गया बेचारी का, वो तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उसको चला भी नहीं जाता था। बट फाइनली उससे खुल गया है, अब वो चल सकती हैं, हमारे साथ यहाँ घूम सकती हैं, तो हम सबको बहुत खुशी है। मैंने देखा कि कुछ जब आप लेने गए तो व्हीलचेयर का भी वो यूज़ करना पड़ा। वो अभी क्योंकि वो थोड़ी देर करना ही पड़ेगा ना क्योंकि उनके पैर में चोट है तो व्हीलचेयर करना पड़ेगा। बट वो चल रही हैं, उठ गई हैं, असली में भी उनका प्लास्टर खुल गया ना, तो गुड यार, अच्छा है वो अभी चल पाएंगे। चलिए मदर्स से आ रहे हैं। हाँ अगर आप सीट पर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस कब करते हैं? मैं मम्मी को हर टाइम मिस करता हूँ, ऑल द टाइम। ऐसा कोई टाइम जो मैं उनको मिस ना करूँ। सुबह उठूँ सोऊँ पूरा टाइम मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। जब आपने फर्स्ट टाइम जॉब किया या फिर अपने वॉलेट में जब पैसे जमा किए तो मम्मी के लिए सबसे पहले क्या आपने गिफ्ट किया? मैं मम्मी को गिफ्ट मतलब लेता रहता हूँ जब भी यहाँ से जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ मुझसे मिलता हूँ। फर्स्ट टाइम 19 साल का था शायद, तब मैं तब से स्टार्ट किया था कमाना, तो तभी दे दिया था। कोई ऐसा लम्हा है कोई ऐसा पहले जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे मॉम के साथ जब आप रहते थे तो मस्ती या फिर कुछ ऐसा? मॉम के साथ तो सारे ही पल हैं क्योंकि उनके साथ तो मैं हमेशा ही यादें कुछ क्या उनके साथ बहुत यादें क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत क्लोज हूँ। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरी मॉम के साथ। तो उनके साथ तो एक एक छोटी छोटी बात भी मेरे लिए याद है तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन और सब अपनी माँ को खुश रखो जितना हो सके। थैंक यू थैंक यू।